सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है बैलेंसिंग में डिपॉजिट कर सकते हो, कैसे डिपॉजिट करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर बैलेंसिंग एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अगर ओपन करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर आप ट्रेड वगैरह के लिए। यहाँ पर पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप डिपॉजिट किससे करना चाहते हो सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कॉइन्स वगैरह पर आप कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहो उससे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं INR लिखूँगा, देन यहाँ पर करेंसी पर क्लिक करेंगे, गो टू Web3, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से रिक्वेस्ट नेटवर्क एरर आ रहा है। यहाँ पर हम होम से डायरेक्टली वापस चलेंगे इस एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कट कर देते हैं, देन यहाँ पर वापस ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्लिक क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सॉरी गाइस, मेरी आवाज़ बीच में बंद हो गई थी। तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर आकर INR ही सर्च करना है, ठीक है, INR। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड वगैरह वेरीफाइड कर देना, उसके बाद आराम से आप यहाँ से डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपको वेरीफाइड नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड कुछ भी डिटेल्स पूछेगा तो आपको वो बस डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बीच में आवाज़ कट हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ऐसे आप कर दोगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए यहाँ पर इंडिया भारत आ जाएगा। देन यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट के लिए आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड विथ OTP पर क्लिक करके आधार कार्ड नंबर डालकर यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना, एक बार में आप 5,000 से भी ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हो, कम से कम 500 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप समझ गए होंगे वीडियो कैसे लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।